मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सुमित पीर भाई। सुमित भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। आज बड़ी मेहरबानी। आज तो आपने बड़ी सफेद सफेद वेस्टकोट और काला सूट और बड़े जनाब चमक रहे हैं माशाल्लाह इस वक्त सुमित भाई आप। थैंक यू सर। और ये ब्लू डार्क ब्लू कलर है तो वैसे कैमरा में तो ब्लैक दिख रहा है। चलिए हाँ बिल्कुल 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 सही सुमित आप, भाई। आपका प्यार है हम क्या बोले। नहीं, आप माशाल्लाह प्यारे हैं माशाल्लाह सुमित भाई। सुमित भाई क्या देख रहे हैं? मैं आज सोचा बड़ी बातें की, मेरा तो दिल था आज जरा वो फिलिपाइन ब्रह्मोस पे बात करनी थी, लेकिन वो भी एक सवाल आपके ऊपर दाग देना। आज मैंने सुना फिलिपाइन ने क्वेश्चन लगा दिए हैं बहुत सारे, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपके दो बड़े, श्रीलंका भी नेबर ही है आपका, आपके दो बड़े नेबर जो हैं वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, श्रीलंका में इमरजेंसी लग गई, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जो है वो तो जबरदस्ती चेयर के कुर्सी के साथ चिमट गए हैं, वो उनको उतारना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप भारत में बैठ के कैसे देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? एक इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है इसका फॉर श्रीलंका एंड फॉर पाकिस्तान एज वेल? बड़ा क्वेश्चन है। देखिए चीमा साहब, ये जो आपने सवाल पूछा काफी बड़ा है और इसमें दो तीन पहलू हैं जो मैं बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा ये मानना है, अब शुरू चले श्रीलंका से करते हैं। श्रीलंका में अगर आपको याद हो तो मैं आपके शो पे, अपने नेशनल टीम पे, कई चैनलों पे कह रहा हूँ, श्रीलंका इज हेडिंग फॉर डिजास्टर। श्रीलंका इज हेडिंग फॉर डिजास्टर क्योंकि आपने जो चीनियों से पैसा लिया है, चाइनीज मनी इज किस ऑफ डेथ, मतलब ये आपको ले डूबता है, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर आप देखिए, अगर आप 8% पे पैसा उठा रहे चाइनीज बैंकों से, चाइनीज गवर्नमेंट तो देती नहीं, और उस पर कंपाउंडिंग के हर जगह अलग अलग रूल है, कौन सी टर्म्स है, कौन सी कंडीशंस है। तो ये जो चाइना ने एक शगुफा छोड़ा था चीमा साहब, कि भाई आपकी जब इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और फिर एम्प्लॉयमेंट आएगी, फिर तरक्की आएगी, और उसके लिए मुझसे लोन ले लो। अब आप अगर आप देखें, श्रीलंका में हमारा भी पैसा है, हमने भी लगभग उतना ही पैसा दिया है, और जापान ने भी पैसा दिया है। ना इंडियन डेट ट्रैप की बात कहीं होती है, ना जैपनीज डेट ट्रैप की बात होती, होती चाइनीज डेट ट्रैप की बात है। सच्चाई है जिंदगी ये है चीमा साहब, 50 कंट्रीज टुडे, 1/4 ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर अंडर चाइनीज डेट ट्रैप। ना ईयू की बात आती है, ना इंडिया की आती है, ना अमेरिका की आती है, ना स्वीडन की आती है, ना जर्मनी की आती है, ना IMF की आती है, ना वर्ल्ड बैंक की आती है। हर जगह आपको हैबिचुअल ऑफेंडर मिलेगा चाइना। अब देखो मोजाम्बिक में उस दिन बात की थी, $200 मिलियन में एयरपोर्ट उन्होंने हजम कर लिया, चाइना का हमन टोटा पोर्ट इन्होंने कर लिया, ग्वादर उसके आसपास ही है। अब हमन टोटा में इन्होंने PLA की यूनिफॉर्म लगा के बंदे भेजे चीमा साहब। हमारे नेशनल टीम पे डिबेट था कि ये भाई ये यूनिफॉर्म लगा के क्यों भेजे। मैंने बोला चाइना मैसेज दे रहा, भाई ये मेरी जमीन है, मेरे बाप की जमीन है, अब ये मैं अपने बंदे भेजूंगा, नहीं तो वो चाहता तो सिविल यूनिफॉर्म में भी बंदे भेज सकता था। यूनिफॉर्म लगे बंदे भेजने के काम करवाने का मतलब है टू गिव अ जियोपॉलिटिकल मैसेज, दिस लैंड बिलोंग्स टू मी। अब ये जो चाइना से पैसा ले रहे हैं, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम जापान से हमने बुलेट ट्रेन के लिए $50 बिलियन लिया, ठीक है जी। आपको होता है इंटरेस्ट क्या है, 0.1% पर एनम, मतलब बस एक सर्मोनियल इंटरेस्ट है, फ्री में पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत है, मतलब इट इज अ सर्मोनियल इंटरेस्ट। और वहां आप 8-8% पे ले रहे हो, और कंपाउंडिंग में क्या कंडीशन, और हर कंट्री की अलग कंडीशन है चीमा साहब, देर इज नो यूनिफॉर्म कंडीशन। तो इसीलिए हमने 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट वर्ल्ड ओवर में कंप्लीट किए। कोई आज ये नहीं, जो मैक्स मेजोरिटी अफगानिस्तान में थे, कोई ये नहीं कह सकता आपको दुनिया में वी आर इन इंडियाज डेट ट्रैप, जापान ने इतना पैसा लगाया, कोई ये नहीं। बट हर जगह यही लोग क्यों करते, इनके ही करना में क्यों आते, यही लोग को फंसाने का काम क्यों करते। पीछे राजपक्षे साहब कह रहे थे भाई बीजिंग तो मुझे 2.5 बिलियन दे रहा, तुम तो 1.5 ही दे रहे हो, मैं बीजिंग के पास जाऊंगा। अब निकल ले, हालत ये चीमा साहब, श्रीलंका, पाकिस्तान तो मैं नहीं आया, श्रीलंका में कई बार जा चुका, 8-10 बार से ज्यादा जा चुका हूँ श्रीलंका, बहुत लोगों के साथ काम किया, पूरा श्रीलंका घूमा मैंने, बहुत दुख होता है। श्रीलंका का कुछ पार्ट इज मच ब्यूटीफुल देन इंडियन, जो हमारे कोस्ट लाइन है उससे भी सुंदर है, अच्छे लोग है, सस्ती जगह थी, बढ़िया जगह थी, थोड़ी देर टेरिज्म वेरिज्म रहा वहां पे। हालत ये चीमा साहब, स्ट्रीट लाइटें नहीं चल रही, पैसा नहीं है, कचरा पड़ा है डेरो, कचरे गाड़ी को चलाने का पेट्रोल नहीं है, पेरेस्टमोल की गोली नहीं मिल रही है, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं। आप बच्चे पेपर नहीं लिख पा रहे सर, स्टेशनरी नहीं है, पेन नहीं है। आपको पता है, 1-2 महीने पहले आपके किसी के शो पे मैंने कहा था, मेरा एक दोस्त है बड़ा, बहुत इंपोर्टर, बड़ा इंपोर्टर है, वो भी मुसलमान है, वो बहुत बड़ा इंपोर्टर है श्रीलंका में, उसने कहा भाई मेरे पास ऑर्डर है, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही, मैं स्टेशनरी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो हालत वहां पे हो गई है।
और अगर आप देखें, मैंने पीछे अपने नेशनल टीवी पे कहा था डिबेट में, जो एक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी होती है चीमा साहब, एनीथिंग अबव 1.5 इज डेंजरस, इंडोनेशिया इज एट 1.8, दैट इज अ डेंजरस थिंग, और वर्ल्ड में हाईएस्ट डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी सर श्रीलंका की थी 27, 26.6 और 27, आई कांट रिमेंबर द नेट कमर करेक्टली, इवन पाकिस्तान लास्ट टाइम मैंने 8 साल वाज 13.6, 14-15 पे हो गए मुझे नहीं पता, लास्ट टाइम वाज 13.6, so above 1.5 you are dangerous, you are at 13.6 and Sri Lanka was highest in the world at 27. I have been shouting my lungs out, मैंने कहा भाई आप तबाही की तरफ जा रहे हो, कुछ करो, और शीमा साहब डायरेक्ट बोलूंगा आपके शो पे, मैं दिल खोल के बोलता हूँ, क्योंकि ये इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसानियत है इसमें यार, बच्चे पेपर नहीं दे रहे, लाइट नहीं है, दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, अब वहां के पॉलिटिशियनों ने अपने घर तो भर लिए, जहां चाइना का पैसा आता शीमा साहब वहां के पॉलिटिशियन को हिस्सा मिलता, वहां के पॉलिटिशियन के थ्रू ही आता, वो कंट्री के नाम पे पैसा उठाते हैं, और इतनी इदारों का मैंने नाम लिया, उनका तो नाम कहीं खराब नहीं, इनका ही नाम खराब क्यों है, ये तो वही लोग हैं जो कह रहे थे हमारी वैक्सीन लो और हमसे $2 बिलियन का कर्जा लो, ये तो रही श्रीलंका की बात, अब आते हैं इन चाइनीज की बात, चीमा साहब बहुत एक खतरनाक चीज हो रही चाइना में, पहले उन्होंने बोला जी हमारे 1 लाख इन्फेक्शन और 4,000 डेथ है, दुनिया में मिलियंस मर गए, निपट लिए, उनके यहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अचानक क्या हो गया चीमा साहब, करोड़ों लोगों को इन्होंने घरों में बंद कर दिया, कोविड क्या ऐसा फैल गया, करोड़ों लोगों को बंद कर लिया, आप चलिए पाकिस्तान कुछ भी, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर आप और हम खुल के बात तो कर सकते हैं, कल आप इस वीडियो को लाइव कर दोगे, दुनिया भर देखेगी, हर कोई देखेगा, पाबंदी नहीं है ना, कमर चीमा पे पाबंदी नहीं है ना, सुमित पीर से बात नहीं कर सकता, कर सकते हो, लाइव कर सकते हो, मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, आप भी रखते हो, चीमा साहब चाइना में हमें कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो आपके और हमारी तरह बात करे, किससे बात करे बताओ, आप किसी को जानते हो, मैं तो नहीं जानता, क्या कहीं वहां पीछे उन्होंने बोला जी बिजली नहीं है, फिर बोला कोयला नहीं है, फिर बोला हमारे पास शिपिंग लाइनें नहीं है, अब ये करोड़ों लोग को बंद करके कहीं ये इंड्यूस्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन तो नहीं है, इकोनॉमिक स्लो डाउन और इसको स्लो डाउन करे, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, इस चाइना ब्रीविंग इकोनॉमिक पेंडेमिक, मैंने आपको भी भेजा था शायद, अगर ये सच हुआ, हर एक कंट्री की इकोनॉमी चाइना से जुड़ी है चीमा साहब, कम या ज्यादा, यू नो व्हाट डिजास्टर कैन बी कमिंग अवर वे, आई होप एंड प्रे आई एम रॉन्ग, पहली बार कह रहा हूं आई होप एंड प्रे आई एम रॉन्ग, अगर ये हुआ कि ये अचानक कोविड बढ़ गया मेरे भाई, करोड़ों लोग आपने बंद कर दिया, और आपने एक और चीज देखी होगी वहां, वो पीपी सूट लगा के बंदूक लेके खड़े सोसाइटियों के बाहर, सर कहां आपने देखा बंदूक वाला पीपी वाला बंदूक लेके खड़ा, गोली मारोगे क्या लोगों को, लोग कह रहे हैं यार खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, कोई मतलब नहीं जी, तो मतलब चाइना में हो क्या रहा, करोड़ों लोग को आपको एक बार बंद करने की जरूरत क्या पड़ी, जिस बीजिंग शंघाई में आप कहते थे एक कोविड का केस नहीं, करोड़ों केस कहां से आ गए, मतलब बंदूक ची आपको लगाने पड़े, बंदूक वाले सर इसकी कहानी क्या है, हाँ पर हम तो यहाँ बात कर लेंगे, वहां कुछ नहीं पता लगेगा, ये वहां की स्थिति, अब आए पाकिस्तान पे, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी, ठीक है जी, अभी पाकिस्तान में पावर सेंटर कौन है मेरे भाई, मतलब नियाजी साहब है, प्रेसिडेंट साहब है, बाजवा साहब है, या एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट टू है, या सो कॉल्ड जो टेम्प्रेरी प्राइम मिनिस्टर और मेकशिफ्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो है किससे बात करें, हु इज कंट्रोलिंग पाकिस्तान, पहले 10-15 दिन पहले चले नियाजी साहब थे, ही हैज पुट कंट्री इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, देखिए अगर आप सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हो, आप कह रहे हो मैं वोट मुझे मिला इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर बना, ठीक बात है यार, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया ना आपको, उसमें लिखा था ना अगर आपको वोट मिलेगा प्राइम मिनिस्टर बनोगे, आपने तो ऐसी हालत कर दी, वो तो ऐसी गुगली मार ली, इन्होंने क्या कर लिया, बैट दबा लिया यहाँ, विकेट दबा लिया और स्टेडियम छोड़ के भाग गए, कह लो मैं विकेट मेरे पास, बल्ला मेरे पास, विकेट लगी नहीं तो मुझे आउट कर नहीं सकते, यू आर नॉट स्क्रैपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बट यू हैव रेंडर्ड कॉन्स्टिट्यूशन यूजलेस, यू हैव पुश्ड 22 करोड़ पीपल इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, यू हैव पुश्ड कंट्री इनटू अ टर्मोइल, इकोनॉमी आपको पता है, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी मैंने बता दी, और तीसरी बात जो चीमा साहब मुझे जो डर लग रहा, जो यहाँ एक डर है, डॉक्टर जयशंकर की मोदी जी से भी बात हुई थी और काफी यहाँ राजनीतिक हलकों में इसकी बात हो रही है, भाई नियाजी साहब खुद कहते हैं हमारे यहाँ 40,000 टेररिस्ट है, कुछ आपके यहाँ $10-20 मिलियन वाले भी लोग घूम रहे हैं, चलो 40-45,000 का है, आपके यू आर अ न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, श्रीलंका न्यूक्लियर आर्म नहीं है, फिर भी राजपक्षे तो है ना, वहाँ आज की डेट में चाहे उसका फाइनेंस मिनिस्टर नया 24 घंटे में भाग गया, सारे मिनिस्टर भाग गए, अलग मसला है, न्यूक्लियर आर्म स्टेट आप हो, इकोनॉमी ये है, पावर सेंटर कोई है नहीं, 6 लोग मैंने गिना दिए, चीमा साहब बात किससे करें, या तो आप बोल दो मुझसे बात करो तो हम आपको फोन लगाएंगे, तो मतलब किससे बात करें चीमा साहब, मतलब दीज आर थ्री कंडीशंस, एक क्वेश्चन है, आपकी तो बात हो ही नहीं रही तो परेशानी किस चीज की है,
आपकी जरा सुनिएगा सुनिएगा, जरा बड़ा टेक्निकल सवाल आ गया आपने। ये तो एक तो है मीडिया की रेटरिक में आप बात कह जाए कि जी हम किससे बात करें, वहां पे तो पावर सेंटर ही नहीं पता। तो मुझे ये बताएं कि आपकी हमारी कौन सी बात हो रही है? बिल्कुल बात हो रही है, मैं बताता हूँ आपको कौन सी बात हो रही है। एक होती है भाई कोई डिस्कशन या नेगोशिएशन, इफ देयर इज अ सिचुएशन, नॉट डिस्कशन एंड नेगोशिएशन, इफ देयर इज अ सिचुएशन हुम टू कॉल, बताइए आपको। अगर अपना नंबर पब्लिश कर दीजिए, मैं बोल दूंगा चाहे कमर सी बस आपको फोन लगाओ भाई। दो दो कॉन्टैक्ट हैं आपके पास पाकिस्तान के इस वक्त, दो कॉन्टैक्ट जो आपके पास हर वक्त होते हैं और हमारे आपके पास है हर वक्त। एक है डीजीएमओ की हॉटलाइन और एक है फॉरेन सेक्रेटरी की हॉटलाइन, दो हॉटलाइन है बस, दैट्स इट। नहीं, तो आपको परेशानी क्या है? नहीं 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 चीमा साहब, तो हो नहीं रही हमारी, और मोदी जी कहते हमने करनी नहीं है। जयशंकर कहते हैं यार हमारा इनसे लेना देना क्यों नहीं है, हमने मुंह मोड़ लिया इधर, हम इंडो पैसिफिक की तरफ चल पड़े, ये ऊपर वाले इलाकों का हमें को पता ही नहीं है, हम इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं नॉट आई एम नॉट सेइंग नेगोशिएशन एंड डिस्कशन, आई एम सेइंग इफ देयर इज अ सिचुएशन, सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है ना। ये तो ये जो मैंने नंबर दिए चीमा साहब, ये तो मेरे नंबर नहीं, तो नियाजी साहब खुद कह चुके हैं ना, प्राइम मिनिस्टर अभी भी प्राइम मिनिस्टर है ही जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वैसला आता है, ये तो खुद उनका कहना, ये तो मेरा कहना नहीं है। अब मुझे बताइए ऐसी स्थिति में व्हेन यू आर अ न्यूक्लियर आर्म स्टेट, तो इट इज अ कंसर्न फॉर पाकिस्तान, इट्स अ कंसर्न फॉर इंडिया, इट्स अ कंसर्न फॉर साउथ एशिया, तीनों लोगों का कंसर्न है। हम श्रीलंका में वो कंसर्न नहीं, श्रीलंका इज नॉट न्यूक्लियर आर्म, और राजपाक से फिर भी है उनकी इकोनॉमी की एक मसला, यहाँ तो तीन तीन मसले सर, और यहाँ वो चाइना वाला मसला है, श्रीलंका अभी बांग्लादेश में कुछ नहीं है, भूटान नेपाल थोड़ा ठीक है, नेपाल अंडर कंट्रोल है, भूटान में कोई दिक्कत नहीं है, और बांग्लादेश में भी कोई दिक्कत नहीं है, और मालदीव भी अब थोड़ा कंट्रोल में आ गया है पीछे, तो मालदीव भी हमने बात की थी। बट देखिए अगर नेबरहुड में प्रॉब्लम आएगी रिपल इफेक्ट आता चीमा साहब, देखिए ज्योग्राफी जितनी समझ में आपको नहीं लगता जितना हमारे आपस के ताल्लुक ब्लॉक है, ट्रेड है कोई नहीं, बॉर्डर बंद है। अब मैं देख रहा था इंडिया के लोगों ने पाकिस्तान आना तो दुबई के रास्ते से आते हैं, हमारे लोगों ने जाना हो तो दुबई के रास्ते से जाते हैं, मतलब ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है। मैं तो मेरी मेरी जाती राय है, मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है। लेकिन और दूसरी बात है, पाकिस्तान को मसला हुआ तो आपसे तो कभी दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, उसकी वजह यह है कि आपसे तो जारी बात है हम दुनिया के हर मुल्क का दरवाजा खटखटा लेंगे, आपका दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। और ये थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन और ये पॉलिटिकल टर्मोइल तो है, लेकिन हम इसको इतना स्पिरल आउट नहीं होगा कि ये जो है ना हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए और ये चीजें हो जाए। मामलात बड़े खराब हैं, हम खुद भी बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन भारत के पास कभी नहीं आएंगे, और भारत जो है ना उसका कोई उसको नहीं कुछ करने देंगे। आप हमारे न्यूक्लियर की बड़ी फिक्र रहती है, जरा मुझे साथ में ये भी बता दें वो फिलिपाइन वाले क्वेश्चन मार्क लगा दिए, उन्होंने कहा यार ये ब्रह्मोस क्या है, जरा हमें बताओ इसके ऊपर, ये चल जाता है इधर से उधर चल गया, उधर से इधर निकल गया, ये इंडिया के मिसाइल जो है कंट्रोल में नहीं है। और वो सुना उन्होंने आपसे क्लेरिफिकेशन मांग लिया है, तो आप सुना वो 200-300 मिलियन डॉलर का कोई प्रोजेक्ट था, तो जो बेसिकली तो आप चले थे कि चीन के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनको थोड़ा आर्म करें, उनको असला उसला दें, आप अपना वो मेजर पावर इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करने चले थे। तो आप वो चाइना का असले का तो ये है कि वो जो है ना नकारा है नखट्टू है, लेकिन कभी इस तरह नहीं हुआ कि चल जाए। तो आप जरा बताएं ये चल जाता है आपका, और फिलिपाइन ने आपसे मांग ली है, इस पर भी थोड़ा बताए ना। लेकिन एक चीज की मैं समझ भाई, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। नहीं नहीं चीवा साहब, मैं आपने इतने सारे सवाल पूछे ना, एक एक करके याद कर करके जवाब दूंगा। पहली बात बोले आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, हम तो चाहते आप किसी से ना मांगे, दिल से जरूरत ना पड़े। पर दूसरी बात चीवा साहब, डिसाइड कौन करेगा, उसके लिए भी तो कोई चाहिए ना जो डिसाइड करे। अभी तो 6-6 पावर सेंटर गिना दिए मैंने, या तो इस पे वोटिंग करा दो, फिर उसमें नो कॉन्फिडेंस ला दो, फिर उसमें कॉन्फिडेंस का नो कॉन्फिडेंस ला के उसका कॉन्फिडेंस ला के नो कॉन्फिडेंस को डिलीट करो, और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट से एक और कोर्ट होता है आपके वहां जाओ, और एक और फिफ्थ डायमेंशन भी आपके वहां जाइए, तो फिर वहां पर देखिए ये आपने इतने सारे डायमेंशन बता दिए, तो रूबिकन वो क्या कहते हैं उसको, जो क्यूब होता है रूबिकन क्यूब या कुछ कहते हैं, तो ये तो वो वाला डिसीजन मेकिंग तो वहां ऐसी वैसे मेरा हाथ उस पर बहुत कमजोर है, मुझसे तो वो रंग कभी जुड़े नहीं, पहली बात। दूसरी बात आपने बोली फिलीपींस के, हाँ फिलीपींस ने कुछ क्लेरिफिकेशन मांगी है। देखिए जब भी वेपन्स, आपको पता है रफेल के लिए हमने कितनी क्लेरिफिकेशन ली है फ्रांस से, हमने हजारों क्लेरिफिकेशन ली हैं। अभी देखिए चीमा साहब हालत ये है, हमारा जो इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है सुपर हॉर्नेट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हाल फिलहाल में अमेरिका का इन्विटेशन आ रहा है सुपर हॉर्नेट, किसी को नहीं रिया उसने सुपर हॉर्नेट, कह रहे आप डेमोन्स्ट्रेशन करके ले लो, फ्रांस वाले निकल गए रफेल का डेमोन्स्ट्रेशन करके, कह रहे आप ये ले लो सुपर हॉर्नेट, आज की खबर आपको बता रहा हूँ।
और अगर हमारे मिसाइल विजाइल इतने एक्यूरेट है, आपको तो मुतमाइन होके रहना चाहिए सीमा साहब, चलते ही नहीं, आपको परेशानी क्या, बताओ आपको परेशान, आप तो खुद ठंड पाओ, बोलो यार ये चलने वाले कुछ है नहीं, आ तो वही ही है, कोई टेंशन नहीं है, हाँ हमारे कोई टेंशन वेंशन नहीं है। तो पहली तो ये बात है, क्लैरिफिकेशन आना डिफेंस प्रोक्योरमेंट में इज अ नेचुरल प्रोसेस। हम अब भी सुखोई MK 31 का जो वेरियंट ले रहे हैं, हमने भी करीब 100-150 क्लैरिफिकेशन अभी भी रशिया से मांगी लेटेस्ट वेरियंट की। Clarifications Anna is not costing doubts. Doubts is when you give a press release and say we have stopped the deal because of these reasons. Then that is an issue. Clarification तो मांगोगे ना सर, अगर आप सवाल दुकानदार हो, माल बेचोगे, भाई साहब ये चलेगा कितना, इस पे गारंटी कितनी, अच्छा ये तो नहीं होगा। हमारी तो माता है, मैंने तो अगर जूता चप्पल भी किया उसमें भी 15 सवाल जवाब कर लेती है, भाई गारंटी कितनी देगा, बारिश में चलती चलेगी ना। अब कोई $340 मिलियन का सामान ले रहा है, अरे भाई साहब उसको हक तो दोगे सवाल पूछने का, चीमा साहब का राज चले तो उससे सवाल पूछना भी छीन ले। और ये चाइनीज असला है, देखिए जी इसमें आपने ये तारीख तालिबान वालों पे यूज किया था, दो दो मिसाइल छोड़े थे, अब चीमा साहब को जता दोनों ही फेल हो गए, ये खैर ये चलता नहीं इसकी गारंटी तो, ये तो कितना चाइना को भी पता है यार ये असला वसला, इसलिए खुद रशिया से माल मंगाते हैं, उन्हें पता हमारा चलता वलता नहीं, बस ऊपर डराने वराने को रखा है, वो परेड वरेड के काम आता, लोग वो थोड़ा डर वर जाते हैं बस, बाकी ठीक है, खुद अपना असला रशिया से लेते हैं। आपको दिए थे दोस्तों शगुफे, वो तो निकल गए जिनके छोड़े थे आपने, दोनों ही निपटे, बताओ। ये तो मैं लाइव एग्जांपल कह रहा हूँ, आपके ग्राउंड पे आपका स्टोरी, आपका दुश्मन, आपकी टेरिटरी सारा आपका, इसमें मेरा कुछ नहीं। अगर मेरा होगा तो आप बोलोगे सुमित भाई आपने तो मैनिपुलेट कर लिया, आपने तो इसमें स्टोरी बना ली, मैं इसलिए आपकी स्टोरी बता रहा हूँ सर, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मतलब हम तो बिल्कुल वो देख लेंगे चाइना के साथ, हम चाइना पे डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन हम अब इंडिजिनस कैपेबिलिटी पे चले गए क्योंकि हमें पता है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उस तरह के, जाके वहां से चीजें ले लो, वहां से चीजें ले लो, तो हम इंडिजिनस कैपेबिलिटी पे। एक चीज बोलूंगा जी, मतलब यहाँ मेरा एक मतलब नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, हमारे यहाँ चाइना ने एक सपना बेचा है दुनिया में, भाई आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ और उसके बाद ना वो डॉलरों के पेड़ लग जाने, बस सेव नहीं उगने डॉलर उगने हैं। बट चाइना का हैज दिस पॉलिसी वर्क फॉर चाइना? व्हाट अबाउट चाइनाज गोस्टीज? कोई नहीं रहता वहां पे। चाइना का इतना डेट है, डेट सर्विसिंग कॉस्ट है, जो चीज तुम्हारे यहाँ खुद नहीं बिक रही तुम लोगों को अफीम क्यों बेच रहे हो? तुम तो फिर भी बड़ी इकोनॉमी हो, तुम्हारे पास पैसा बहुत इतना दुनिया भर का होता, तुम तो जेल जाओगे, श्रीलंका जैसी कंट्री का क्या होगा? चीमा साहब ये सपने दिखाते हैं चिकन बिरयानी के। मैं तो कहता हूँ अगर हम गरीब भी है ना, दाल रोटी खा रहे हैं ना, ऐसी स्थिति ना हो कि ना दाल रहे ना रोटी रहे, दाल रोटी तो चलती रहे, बिरयानी ना आए कोई बात नहीं। तो इन चीजों से सब के श्रीलंका सर इज अ केस स्टडी, हाउ चाइनीज इन्फ्लुएंस कैन रुइन अ कंट्री। आप पैसे किसी से भी लो, देखो आपको पैसे की जरूरत है लो, मैं नहीं कहता, बट इनसे मत लो, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये हमारे यहाँ चाइनीज एप्स बैन हो गई सर, ये क्या करते थे लोग को ऑनलाइन कहते आप ऐप डाउनलोड करो पैसे ले लो, पीछे एक पकड़ा गया वो 500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था नोएडा में, यहाँ भी कल भी पकड़ा गया एक चाइनीज, जो 7-8 उसके साथ लोकल लोग भी जुड़े थे। तो यहाँ भी ये टोपियो मतलब डेट ट्रैपिंग का बिजनेस कंट्री लेवल, कम्युनिटी लेवल और अब इंडिविजुअल लेवल पे भी आ गए। आपके यहाँ ये एप्स वेप्स ना चल रही हो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपनी गवर्नमेंट को सतर्क करें, यहाँ ये किस्से हुए और हमने उनको पकड़ा भी है और अब भी बहुत घूम रहे होंगे, मैं ही नहीं कह रहा हूँ सारे पकड़े हैं, अब भी बहुत घूम रहे होंगे क्योंकि अब तो इन्होंने जी वो कसम ही खा रखी इकोनॉमिक टेररिज्म की। अब मतलब इनका टेररिज्म है इकोनॉमिक टेररिज्म, मतलब पैसा देके फंसा वो ना डॉलर और डैगर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमित भाई ये बताएं कि जो श्रीलंका की कंडीशन है उसमें इंडियंस तो आप तो उसमें इन्वॉल्वड है, आपने कहा जी कि हम डेफर्ड ऑयल पे पेमेंट पे ऑयल देंगे और बहुत कुछ मेडिसिन ये वो प्रोजेक्ट्स बड़े खोले हुए हैं, तो आप तो स्टेक होल्डर हो गए वहां पे, ठीक है, श्रीलंका भी चाइना भी स्टेक होल्डर है, तो क्या ये तो नहीं है कि चाइना और इंडिया के कॉम्पिटिशन में श्रीलंकन मारे जा रहे हैं? और क्योंकि ये देखें जो भी है पाकिस्तान के मामलात श्रीलंका जैसे तो नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त जा रहे हैं, बीच में हमें तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बस चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाए तो हम ठीक हैं, हम चीजें मांग लेते हैं। बहरहाल वो हमें पता है कैसे मांगना है, हमारे लीडरों को मांगना आता है। ये बताइएगा कि चाइना और श्रीलंका की चाइना और इंडिया कंपटीशन में कि श्रीलंका का तो नहीं खा जाएंगे आप? देखिए चीमा साहब पहले मैं आप बताऊंगा आपका दिल बहुत बड़ा, आपको अगर 13.6% डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी नॉर्मल लगती है तो आपका वाकई दिल बड़ा है, मैं आपकी दाद देता हूँ, आप बहुत बड़े दिल वाले। चलिए ये टेक्निकल टर्म है सर, देयर इज नो एनालिसिस एंड परसेप्शन। अब आते श्रीलंका वाले मसले पे आते चीमा साहब, देखिए सर है क्या,
हमने उनको करेंसी स्वैप दिया, हमने उनको पैसे दिए 1.4 मिलियन, हमारे टर्म्स बहुत क्लियर है, पैसे कहाँ उनके फंस रहे हैं, हमन टोटा पोर्ट किसने लिया, हमने लिया, उन्होंने लिया, चीनियों ने लिया, हमने तो किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने हमें ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल से उठा के फेंक दिया, हमें जापान को, हमने वेस्टर्न कार्गो का टर्मिनल बना दिया। आप बताइए दुनिया में आपको कहीं कोई एक कंट्री मिल जाए, 200 से ज्यादा कंट्री है दुनिया में जो बोले इंडियन डेट ट्रैप, चाइनीज में तो 50 लोग फंसे हैं, हमने वैक्सीन दिया, $2 बिलियन का लोन नहीं दिया साथ में कि ले लो मेरी वैक्सीन, लो मुझसे लोन लो और मुझको बाद में देना, हमने ये नहीं किया। देखिए हम श्रीलंका से हमारा 2500 साल का रिश्ता है, अगर हमारी नीयत खराब होती श्रीलंका के प्रति, अगर होती तो 2500 साल बहुत बड़ा अरसा होता टू प्रूव योर लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, 2500 years। So this question is out of question। इंडिया का कहीं नाम आ रहा, आज भी हम दवाई उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं, आज भी हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं वहां पे, बट चीमा साहब उनकी गवर्नमेंट को तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना, यू कैन नॉट प्ले टैंगो विद द डेविल, मैं तो डायरेक्ट कहता हूँ, यू कैन नॉट टेक द मनी विच इज केस ऑफ डेथ, ये आपको सोचना पड़ेगा, चाहे आपका अपना फायदा हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे पता है सब खूब डिस्कशन हमारे टीम पे हुए, हम टीवी पे क्यों डिस्कशन करते थे श्रीलंका चीमा साहब, क्योंकि इंडियन टीवी देखा जाता है वहां, हम लोग को बता रहे थे भाई देखिए आप और हम तो मीडिया में इस एनालिसिस में है कमेंट्री में, हम एक एक चीज बारीकी से देखते हैं, जो कॉमन आदमी है ना सर उसको नहीं पता होता, उसको तो ये नहीं पता हो क्या रहा है, वो तो कह रहा है हाँ यार यहाँ पोर्ट वोर्ट बन रहा, सड़क बन रही, फ्लाईओवर बन रहा, उसको पता नहीं इसके पीछे की कहानी क्या है, नहीं तो हमें अपने नेशनल टीवी पे डिबेट करने का मतलब क्या था, हम तो श्रीलंकनों को बताना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे भाई देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा, कल को ये स्थिति ना हो, और मतलब क्या बोलूं, अनफॉर्चुनेटली दैट डे हैज कम, और हमें दुख है चीमा साहब, पर्सनली आई एम नॉट हैप्पी, मैं ये नहीं चाहूंगा बच्चा एग्जाम ना दे, मैं ये नहीं चाहूंगा बच्चे को रोटी ना मिले, चाहे वो पाकिस्तानी हो, वो श्रीलंकन हो, वो मालदीव का, वो बांग्लादेश का, भूटान को, नेपाल को, मुझे क्या मिलना सर, मेरे भी तो बच्चे हैं, जैसे मतलब व्हाई शुड आई वांट अ चाइल्ड टू सफर, देयर इज नो लॉजिक इन दैट, पॉलिटिक्स अपनी जगह, दुश्मनी अपनी जगह, वी डू नॉट बिलीव इन ह्यूमन मिजरी डजंट हेल्प अस, व्हाई शुड वी बिलीव इन दैट यार, ठीक है मैं तो हमेशा कहता हूं कंपटीशन करे, इकोनॉमी पे करे, स्टार्टअप्स पे करे, पॉजिटिव चीजों पे करे ना, अगर आपके यहाँ बच्चे को या किसी भगवान ना करे किसी देश में बच्चे को एग्जाम नहीं मिल रहा, उसको दवाई नहीं मिल रही, सर हाउ एम आई हैप्पी एंड व्हाई आई शुड बी हैप्पी, देन आई एम नॉट ह्यूमन, फिर मैं इंसान नहीं हूं, अगर मैं खुश हूं मैं खुश तो हो ही नहीं सकता ना, उस बेचारे बच्चे की गलती क्या चीमा साहब, कि अब उसने एप्लीकेशन तो दी नहीं थी कि मुझे श्रीलंका में पैदा करो, और दूसरे ने एप्लीकेशन दी थी मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पैदा करो, और अमेरिकन इतनी फूड ट्रे उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, वहां खाने को रोटी नहीं मिल रही। आपको एक और चीज बताऊं, अफ्रीका में स्टारवेशन पता क्यों है चीमा साहब, इस पर कभी डिटेल में बात करेंगे, अफ्रीका में जो ग्रेन प्रोड्यूस होता है वो अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, क्यों, सो दैट अमेरिकन कैन फीड इट टू द कैटल एंड मेक बीफ बर्गर, अफ्रीका का जो बच्चा भूखा रहता है बिकॉज द ग्रेन इज एक्सपोर्टेड टू अमेरिका, ये दुनिया में माना गया 10% ऑफ द मीट कंजप्शन इज रिड्यूस्ड especially in western countries, जिनका staple food ही meat बन गया है, nobody will die or we will sleep with an empty stomach, there will be no starvation in the world, reduce the consumption by 10%, ऐसी बहुत सी चीजें, बहुत सा ऐसा डाटा which is alarming, तो अभी हम उस चीज में बिल्कुल नहीं मानते साहब, personally I don't agree to it, कि भाई human misery anywhere is highly condemnable, मतलब we will not support human misery, कैसे support करें सर, इंसान है ना, जब खाते 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 पीते कमाते तब यार दयारी दोस्ती दुश्मनी वो सब चलती रहती है, बट सर्वाइवल तो जरूरी है ना सर, सर्वाइवल कैन नॉट बी कम्प्रोमाइज, सो वी आर नॉट हैप्पी विद द कंडीशन इन श्रीलंका, एंड वी होप एंड प्रे दिस नेवर एवर हैपेंस एनीवेयर एल्स, कल को अगर ये पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता हम दुआएं करेंगे कभी नो, वी विल नॉट बी हैप्पी, हमारी कॉमन पाकिस्तानी से, मैं सर डायरेक्ट बता रहा हूँ, हमारी कॉमन पाकिस्तानी से कोई दुश्मनी नहीं, इट इज नॉट द कॉमन पाकिस्तानी यार, हमें उसके दुख में खुश होके क्या मिलेगा, आप बताओ अगर वहां रोटी नहीं मिली मेरे घर में क्या आटे का कनस्तर आना है, मैं क्यों खुश हो जाऊं, why आई शुड बी हैप्पी, देयर इज नो रीजन, देख पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपने एक मिलिट्रिकल डिफरेंसेस है वो सब चलता रहता है, बट एट अ ह्यूमन लेवल वी डोंट चेरिश मिसरी सर, सही कह रहे हैं, मैंने भी वैसे अपने लोगों से यहाँ पे यही सुना है, जो दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स वो कहते हैं हमें कॉमन इंडियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो उस सोच से मसला है जो सोच नफरत फैलाती है, तो आए मिल के कोशिश करें कि जो आपके वो लोग हैं और जो हमारे वो लोग हैं उनको किसी तरीके किसी टेबल पे बिठाएं ताकि वो मसले का हल करें और हम एक अच्छे रास्ते की तरफ जाएं, क्योंकि आपका कॉमन मैन भी सफर कर रहा है, हमारा कॉमन मैन भी सफर कर रहा है और दुनिया पूरे खित्ते के कॉमन मैन सफर कर रहे हैं, इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है
इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और काफी देर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिसका फायदा ये हो रहा है कि आपकी ग्रोथ और स्टेबिलिटी और सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा है। जो कि जारी बात है हमारे पास वो चीज नहीं आई, विश कि हमारे पास भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, हुकूमतें 5-5 साल पूरे करें, अपना टाइम अच्छा सा गुजरे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये चीजें जो हैं वो दे मैटर अलॉट अलॉट। तो जारी बात है तभी चीजें बेहतर हो सकती हैं। कुछ कहना चाहते हैं, मैं कंक्लूड करने लगा। चीवा साहब, बस यही कहना चाहूंगा कि अब नियाजी साहब का क्या हो रहा है, मतलब आप तो पूरे इंडियन मीडिया पे छाए हुए हो आजकल, तो हमें भी बता दे थोड़ा, वहां हो क्या रहा, मतलब व्हाट इज व्हाट व्हाट डू यू सी, मतलब वेयर इज इट गोइंग? सुमित भाई, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इसमें। ये है कि इमरान खान साहब जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे वज़राए आज़म, जब ये पावर में आते हैं ना तो इनको सीट के नीचे उतारना पड़ता है, कोई भी बंदा हो। ये पता नहीं क्यों, दे डू नॉट बिलीव इन रूल ऑफ लॉ एंड ऑल दैट, वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज कि देखिए, इमरान खान साहब ने जो एक्ट किया है ना, इमरान खान साहब ने एक्ट किया है कि उन्होंने कहा कि जनाब मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को उन्होंने पहले असेंबली सेक्रेटेरिएट ने रिसीव किया, उसके ऊपर जो दिन गुजरने होते हैं वो गुजरते गए, और आखिरी दिन जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था उससे पहले इमरान खान साहब का जहन बदल गया। उन्होंने कहा जनाब, और हालांकि इमरान खान साहब कहते थे कि अगर मेरे खिलाफ मेरे MNS खड़े हो गए तो मैं घर चला जाऊंगा, कुछ होगा मैं चला जाऊंगा। अब यहाँ वीडियो सारे विजुअल है, अब यहाँ पे आके एक इम्पोर्टेंट, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो गई। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जब किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तो वो असेंबलियां नहीं तोड़ सकता, बिल्कुल वो इस्तीफा मेरा ख्याल है दे सकता है, लेकिन वो असेंबलियां नहीं तोड़ सकता। तो इमरान खान ने क्या किया, इस्तीफा देना समझते हैं मेरी इंसल्ट है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूं, मैं एक लकुना निकालता हूं, और लकुना ये निकाला उन्होंने कहा जी कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने लगा, नंबर उनके पास थे नहीं, तो उन्होंने सिंपल ये काम किया कि उन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि एक उनके MNA है फवाद चौधरी साहब, उनके जरिए एक उन्होंने मोशन लेके आए कि स्पीकर साहब को कहो कि रूलिंग दें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आया है ये बेसिकली एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी या रजीम चेंज। तो उन्होंने रूलिंग दे दी कि जी क्योंकि ये एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी या रजीम चेंज की, लिहाजा इस मोशन को हम रिजेक्ट करते हैं, और वहां से ये सारा क्राइसिस पैदा हुआ। वहां से फिर अब इमरान खान साहब हमारे पंजाबी में कहते हैं छाई ला के बैठे हैं सर। वहां से जैसे ही बंद हुआ, पार्लियामेंट बंद हुई, 2 मिनट बाद इमरान खान साहब पाकिस्तान के स्टेट TV पे आ गए, उन्होंने कहा जी के पार्लियामेंट ने रूलिंग दे दी है, हमने प्रेसिडेंट को समरी भेज दी है, लिहाजा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिजेक्ट हो गया, अब प्रेसिडेंट जो है वो असम्बलियां तोड़ देंगे और हम एक नए फ्रेश इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं 90 डेज के अंदर। और साथ ही प्रेसिडेंट ने कह दिया जनाब के मैं इमरान खान को 15 दिन के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता हूँ, मैं ये मिनिस्टर लगाता हूँ, मैं वो करता हूँ। अब ये सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मीनवाइल बिफोर दैट के ये जो अपोजिशन पार्टी थी ये सुप्रीम कोर्ट जाती है और कहती कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन हो गई है। अब इमरान खान साहब किस चीज की प्ले ले प्ले, मैं थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने प्ली ली 2 चीजों की, उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है, और बड़ा बड़ा सिस्टमैटिक इमरान खान ने गेम खेले, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो पकड़े गए हैं, बहरहाल उनका माइंड पकड़ा गया कि ये किस तरह की सोच रखते हैं। इमरान खान ने प्ली ली कि जी जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, सो व्हाट एवर वॉज हैपनिंग द रूलिंग विच केम फ्रॉम द डेप्टी स्पीकर कैन नॉट बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। सो अगर ये ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगी भी तो इसमें कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटा नोटिस ले लिया, उन्होंने कहा जी कि बेसिकली ये जो पार्लियामेंट में हुआ है ये रूल्स एंड प्रोसीजर्स की हद तक तो ठीक था अगर आप जो मर्जी करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री देन इट कम्स आवर एम्बिट, हम नाम बुला सकते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि अब उन्होंने कहा जी कि क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इट इज समथिंग टू डू विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उसके ऊपर वोटिंग होनी होनी है, इन्होंने क्या नहीं करते। अब इनके पास एक है तुरंत का पत्ता, जैसे ट्रंप कार्ड ये कहते हैं हमारे, तरफ का पत्ता पाकिस्तान में कहा जाता है, क्या जी? उन्होंने कहा जी वो देखें अमेरिका साजिश करा रहा था और मैंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में मैंने बताया कि ये देखिए साजिश है फला 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 फला, उनको सबको बता दिया और वहां से उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये कह दिया।
अब वो हर जगह दिखाते फिर रहे हैं कि सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया, सिक्योरिटी मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग। वो पता चला मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं है, सिर्फ एक प्रेस रिलीज है या इस तरह की चीज है। तो इमरान खान साहब ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दिया। उधर पंजाब में भी हार गए हैं, पंजाब में भी हार गए हैं, बंदे चले गए। आज ऑपोजिशन के पास 199 लोग, आज उन्होंने एक होटल में अपना चीफ मिनिस्टर बना दिया मजे में। और अब इनको चाहिए 183 या 185, इनके पास बंदे नहीं है, इन्होंने इजलास ही मौखर कर दिया 16 अप्रैल तक। सो ही इज नॉट अ प्लेयर, भाग गए हैं। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चाहिए था। जो अपोजिशन कर रही है हॉर्स ट्रेडिंग, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन अगर आपके लोग चले गए हैं, वो लोग बाद में इस्तीफे दे देंगे, वो कह रहे हैं हमने वोट डाल के इस्तीफा दे देना, दैट इज आर राइट, हम अपनी सीट से फारग हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ क्राइसिस सिचुएशन जो ये यहाँ अभी अभी अब द ओनली वन लास्ट पॉइंट इज सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट वेट एंड सी सुन रही है, वो सुन रही है। तो अभी तो हमारे यहाँ लोग परेशान है कि सुप्रीम कोर्ट इतना टाइम क्यों ले रही है। ये अब सुबह फैसला आ जाता है या परसों फैसला आ जाता है, बट इट मस्ट नॉट गो लॉन्गर देन फ्राइडे। सो दैट सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ डिसीजन दैट द एक्ट ऑफ द डेप्टी स्पीकर इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, देन व्हाटएवर इमरान खान सेड इज नॉल एंड वॉइड। दिस इज नॉल एंड वॉइड, करेक्ट। मेरा भी यही मानना चीवा साहब, ही हैज पुश्ड कंट्री इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, दिस ऑल कुड बी अवॉइडेड। यहां वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गिरी थी, आपको याद होगा, एक वोट से, बट इट वाज रेस्पेक्टेड, एक वोट से गिरी थी, हो गया काम खत्म। बट ऐसी चीजें करके आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, आप देश को कहां ले जा रहे हो, आप लोग का फ्यूचर रिस्क पे डाल रहे हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। और ही गॉट हिज टर्म, 4 साल तो रहे, ओनली 3 प्राइम मिनिस्टर्स कुड लिव फॉर 4 इयर्स। और अब वो आप लास्ट में बोलते वही फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, छूटेगा नहीं। चलो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई आपके टाइम का, आज तो आपने मेरा भी इंटरव्यू साथ ही ले लिया। थैंक यू बहुत शुक्रिया।